शुभ मुहूर्त देखे बिना पैदा हुआ इंसान, पूरी जिंदगी मुहूर्त के चक्कर में चली जाती है और एक दिन ऐसा आता है वो बिना मुहूर्त देखे ही चला जाता है। जब अकेले हो तो अपने बारे में सोचो, जब आप अपने दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, जब आप गुस्से में हो तो अपने आप पर कंट्रोल रखें, जब आपके पास सब कुछ हो तो अपनी अकड़ पर कंट्रोल रखें, जब आप दुखी हो तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, जब आप किसी से प्यार करते हो तो अपनी हरकतों पर कंट्रोल करो। प्यार बेशक करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो इसे आज ही खत्म कर दीजिए, और शारीरिक संबंध तो बिल्कुल ना बनाएं। डिप्रेशन अपने ऊपर हावी ना होने दें, नियमित रूप से भगवान का ध्यान करें, ओवरथिंकिंग बंद कर दें, परिवार जनों से झूठ बोलना बंद कर दें, नहीं तो कभी ना कभी आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। खुद को किसी विशेष स्तर पर एक्सपर्ट बनाए, ये आपको भविष्य में बहुत काम आएगा। नशे से जितना हो सके दूर रहे, और यदि कोई आपका दोस्त भी नशा करता है तो उसको समझाए, अन्यथा उससे भी दूरी बनाए। समय की बर्बादी बिल्कुल भी न करे, अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाए। जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता तब तक पब्लिक में ढिढोरा पिटना बंद कीजिए। जब आपका दिल टूटे, आपको बुरा लगे, आप उदास हो जाए, तो समझिए कि लाइफ उस पल में, उस क्षण में आपको सिखाना क्या चाहती है। आपकी कहानी से, आपकी जिंदगी से किसी को कोई मतलब नहीं। जब तक आप सफल नहीं हो जाते, इसलिए लाइफ में सक्सेसफुल बनिए। अपनी केयर खुद से कीजिए, क्योंकि दुनिया तो आपका इस्तेमाल करना जानती है। हम लाइफ में तब ग्रो नहीं करते जब चीजें आसान होती हैं, हम तब ग्रो करते हैं जब चीजें मुश्किल होती हैं। माँ बाप को छोड़ने से पहले 7 बार सोचे, साथ देने से पहले 2 बार सोचे, अन्याय करने से पहले 6 बार सोचे, वादा करने से पहले 1 बार सोचे, बात से मुकरने से पहले 3 बार सोचे, रिश्ता तोड़ने से पहले 4 बार। किसी पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि यहाँ लोग आपके हमदर्द कम और मतलबी ज्यादा हैं। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तो आप हमेशा वही रहोगे जहां आप नहीं होना चाहते। अगर आप अपने आप से सवाल नहीं पूछते तो जवाब हमेशा नहीं रहेगा। जो चाहिए उसके लिए आज से और अभी से मेहनत करना शुरू करें। अकेले चलने का साहस करो, हर समय दूसरों के इंतजार में पीछे मत रहा करो। आपने माँ बाप की बात सुनो, क्योंकि वो हमेशा आपका भला ही सोचते हैं। हमेशा अपने आप की सुनो, क्योंकि जो काम आप खुद करोगे उसमें ही आपको सफलता मिल सकती है। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी ही पड़ती है। दुनिया है सताती रहेगी, बस आप मुस्कुराते रहो। खुद से जीतना दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। हर महीने पैसे सेव करो, फर्क नहीं पड़ता कितने भी हो, पर सेव करो। अपनी जिंदगी का जो भी फैसला लेना है खुद से लो, क्योंकि आपकी जिंदगी बर्बाद करने में लोगों को मजा आता है। खुद को एजुकेटेड करें, बुक्स पढ़ो, वीडियो से सीखो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना दिमाग में नहीं। अपने भाग्य पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है, गलत कर्म का फल भी गलत ही मिलता है। आपका अच्छा किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो एक दिन जरूर आप प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में किसी के लिए भी अपने आप को न झुकाए। जिसने अपने आप पर विजय पाली वह किसी पर विजय पा सकता है। किसी चीज का जुलूस ही आपको उस काम में महारत हासिल करा सकती है। इतिहास जिनके बुरे होते हैं, ख्वाब उन्हीं के बुरे होते हैं। नींद कैसे आएगी तुझे, सपने अधूरे हैं अभी। सारी दुनिया कहेगी हार मान ले, लेकिन एक बार और मेरा नाम लेके कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। यकीन करो, वो जब देगा बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। जिंदगी में वो ही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं, योजना के मुताबिक कुछ भी नहीं चलता।
अपना भाग्य खुद बनाओ। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। माचिस की क्या जरूरत है, थोड़ी तरक्की करो, लोग अपने आप जल जाएंगे। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, सरल शब्दों में उसे कल कहते हैं। खुद का बेस्ट वर्जन बनो, किसी और की कॉपी नहीं। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो।